तो गाइस मैं यहाँ पे भून रही हूँ सूजी और मावा भून के रख ली हूँ। मावा मैं बहुत पहले ही भून ली थी, ये फिर से टाइट हो गया है तो अब इसको दोबारा से गर्म करना पड़ेगा। थोड़ी सी सूजी मिलाऊंगी क्योंकि मेरे बच्चे ना बहुत अजीब है, प्योर मावा की गुजिया नहीं खाते, थोड़ा सा सूजी मिलाना ही पड़ता है। क्या हुआ? गाइज वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी रक्षाबंधन। और मैं तैयार हो गई हूँ, तैयार होने के बाद पूजा भी की हूँ भगवान की, और यहीं पर से मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी मुझे गुजिया बनाना है जाके, तो मैं जा रही हूँ किचन में, बनाऊंगी गुजिया। और आज रात में 9 बजे है राखी का टाइम, 9 बज के कुछ मिनट के बाद ही है राखी बांधने का टाइम, तो चलिए चलते हैं किचन में। तो अभी मैं कर लेती हूँ फटाफट कुछ काम और इसके बाद फिर राखी बांधवाऊंगी चाहतानक को। तो गाइज वापस से मैं आ गई हूँ किचन में और एक तरफ बनने को रख दी हूँ खीर और एक तरफ मैं बना लूंगी गुजिया। और अभी डिनर की भी तैयारी करना है, तो डिनर में मैं बनाऊंगी पनीर की सब्जी और पूड़ी। और गुजिया मैं प्लेटफॉर्म के पास खड़े होके ही हमेशा बनाती हूँ क्योंकि मुझे ना ज़्यादा बैठ करके काम करना पसंद ही नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे लगता है मैं जल्दी कर लेती हूँ। मैं यहीं पे खड़े होके सब्जी कट कर लूँगी और यहीं पे मैं पूरा गुजिया भी बनाना है ना, तो मैं गुजिया पूरी मतलब 10-12 गुजिया बना लूँगी, इसके बाद तल लूँगी और इसके बाद कढ़ाई धीमी करके और फिर से 10-12 बनाने के बाद और फिर से तल लूँगी। तो मैं इस तरह से बना लूँगी और अगर बैठ के अगर कोई कहे ना तो फिर लगता है कि अरे कौन झंझट करे। और गुजिया बनाना बहुत टफ है, बहुत जो बनाता है वो जानता होगा, बहुत ही ज्यादा मतलब मुश्किल का काम है, ऐसे कोई तैयार भी नहीं होता है गुजिया बनाने के लिए। बट अगर घर पे त्योहार में कुछ बनाओ ना तो फिर लगता है कि त्योहार त्योहार जैसा नहीं लगता है। और ये भी बोलते हैं कि रक्षाबंधन के टाइम पे बाहर की चीजें उतनी शुद्ध नहीं रहती हैं, घर पे कुछ बना लो तो सही है। तो मिठाई मैंने बाहर से मंगवा लिया है, फल फ्रूट भी आ गया है, बस थोड़ी सी गुजिया बना लूंगी तो भगवान को शुद्ध भोग लगाने को भी हो जाएगी और राखी के लिए भी हो जाएगी। और चाहत आ गई है यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए कि मम्मा मैं कर देती हूँ, मैं गुजिया भर के काट दूंगी तो आप तल लेना। बट चाहत से कोई काम कराना ना मुझे लगता है कि दोबारा मेरे लिए ज्यादा ही काम न पड़ जाए कहीं, तो इसीलिए मैं उससे कोई मदद नहीं लेती हूँ क्योंकि गुजिया अगर तेल में जाके फूट गई तो तेल खराब हो जाएगा। तो बस मैं कर लूंगी फटाफट और इसके बाद रात को 9 बजे राखी का भी टाइम हो जाएगा। तो मैं बता देती हूँ मैं रक्षाबंधन पे बना के आ क्या रही हूँ। तो इधर खीर पक रही है और इधर गुजिया बन रही है और अभी मुझे पूरी बनाना है और पनीर की सब्जी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि खीर बना के रख देती हूँ और गुजिया बना लेती हूँ, इसके बाद फिर अभी पूरी और पनीर की सब्जी बना लूंगी बस, और फिर इतने में 9 बज जाएंगे तो फिर राखी बांधने का भी टाइम हो जाएगा। तो गाइस देख लीजिए गुजिया बन गई है और चल के बस अब राखी बांधने की तैयारी करती हूँ और इसके बाद आके फिर खाने का करूंगी। तो ये जली तो तो गाइज हमारी गुजिया खीर और सब्जी कंप्लीट हो गई है और रात के 9 बज गए हैं, राखी बांधने का टाइम हो गया है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे भगवान जी की पूजा कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं भगवान जी की पूजा करूंगी, शंकर भगवान, गणेश जी, कान्हा जी को ही मैं राखी बांधूंगी क्योंकि मेरे भैया लोग नहीं आए हैं, तो मैं भगवान जी को राखी बांध के और अपना राखी का त्योहार मनाऊंगी। और मैं अगर मम्मी के यहाँ रहती भी हूँ ना तो तब भी मैं सबसे पहले भगवान जी को ही राखी बांधती हूँ, इसके बाद अपने भाइयों को राखी बांधती हूँ। तो चाहत को भी मैं भगवान जी की ही सबसे पहले राखी बंधवाऊंगी और इसके बाद चाहत आनव को राखी बांधेगी और चाहत वीर को भी राखी बांधेगी क्योंकि वीर की सिस्टर ने राखी भिजवा दी है तो चाहत ही बांध देंगी, वो भी नहीं आ पाई है। आया राखी का त्योहार है खुशियाँ बहनों की, आया राखी का त्योहार है खुशियाँ बहनों की। आया राखी का त्योहार खुशियाँ बहनों की, आया राखी का
पूजा की थाली बहन सजाए, भाई को अपने टीका लगाए, देती नजर उतार खुशियां बहनों की, आया राखी का त्योहार खुशियां बहनों की। सो गाइस, यहाँ पे चाहत पापा को पहले राखी बांध रही है क्योंकि बुआ दूर हैं, तो चाहत ही यहाँ पे पापा को राखी बांधेगी अच्छे से। हाँ, चादर अंदर लगाना। हाँ, ये हैंकी तो डालो सर पे, व्हाइट वाली बड़ी है। और ऐसे मत छोड़ दिया करो थाली, वो गिर जाएगी दीपा, कहीं भी पकड़ लो। चलो चलो, क्या चंदन लगा दी? नहीं नहीं, ठीक है, अब राखी बांध दो, फिर मीठा खिला दो। पापा से पूछ लो कौन सी राखी उनको पसंद है। इसको थाली को यहाँ रख दो। मर गए। खिलाओ, कौन सी खा रहे हैं? ये कौन सी? अच्छा, काजू कतरी। हाँ ठीक है, काजू कतरी खा लो। मजाक कर रही है। थोड़ा सा बचाना चाहिए। मैं खाऊंगा और मेरी दुल्ली ऐसे सीधा उठाओ। हाँ ऐसे, अरे ना करो मजाक यार, करो तुम। हाँ राखी बांध दूंगी, पैसा देना। पैसा दोगे दीदी को? कितना दोगे? 150 रुपया। 150 कितना होता है? 50। पचास। चलो, पिछली बार तो बनवाया भी नहीं था। चल चंदन लगाओ, अब राखी बांधते हैं। पहले ये वाली बांधते हैं, ये वो वाली बांधो। ये वो है, क्या बोलते हैं, टाइप से घड़ी जैसी। हाथ ऊपर करो, ऐसे करो। रुक 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 चलो बैठो, चलो पैर पड़ो। खराब हो जाती है पहले की। हाँ अच्छे से, अच्छे से। हाँ चलो, हाँ चलो, उठा लेंगे, उठाओ। हाँ चलो पैर। अच्छा पैसा दे दिए वो? अच्छा, बार ना ले, छुपाना पड़ेगा। तो गाइस, बस राखी बंध गई है सब लोगों की, और मेरी भी बंध गई है। मेरे भैया लोग तो बहुत दूर हैं, आए भी नहीं रक्षाबंधन में। देख लीजिए, मुझे याद ही नहीं किए, आए ही नहीं। तो बस मैं राखी मना ली हूँ अपनी, बस भोले शंकर जी को राखी बांध की और अपनी राखी मना ली हूँ, और मिठाई खा लेती हूँ। और इधर वीर चाहत को राखी बांधने का पैसा दे रहे हैं। चाहत आनव भी दे दिया है। और वैसे चाहत का 1 तारीख को बर्थडे है, 1 सितंबर को। तो चाहत के लिए पैसा ही पैसा, चाहत के लिए गिफ्ट लेने जाना है अभी कुछ, और राखी के लिए चाहत की पसंद का ड्राइंग बॉक्स बुक कर दिए थे। हाँ तो चाहत की पसंद का ड्राइंग बॉक्स बुक कर दिए थे ऑनलाइन, तो वो थोड़ा लेट पहुंच रहा है। नहीं आनव की तरफ से चाहत को ड्राइंग बॉक्स दे देते। और बस चलिए चलते हैं अब किचन में, और खाने की तैयारी करती हूँ। खा लो।
तो गाइज मैं राखी बंधवा करके और वापस से आ गई हूँ किचन में, मतलब सबकी बच्चों की राखी बंधवा के, चाहत आना की राखी बंधवा के, और मैं आ गई हूँ किचन में। तो बस फटाफट पूड़ियाँ तल लूंगी और मटर पनीर की सब्जी मैं पहले ही शाम को ही बना ली थी, और खीर बन गई है ये देख लीजिए। तो खीर ठंडी होने को रख दी हूँ कि जिससे कि, क्योंकि रात के 11 बज गए हैं, राखी बांधने में ही बहुत टाइम लग गया, बस पूड़ियाँ तलनी है तो मैं फटाफट पूड़ियाँ बना लूंगी। 9 बजे के बाद का मुहूर्त था राखी बांधने का और सुबह सिर्फ 7 बजे तक है पूर्णमासी। बाकी बंधने को तो क्या तीजा का व्रत जो होता है, क्या बोलते हैं, हरतालिका तीज, तो मतलब जब तक लोग राखी बांधते रहते हैं, बट पूर्णमासी का, पूर्णिमा का बांधना अच्छा ही होता है। तो मैं आज ही राखी मना ली हूँ। आप लोग बताइएगा कमेंट में जरूर कि आप लोग 30 की रात को मनाए हैं या 31 को मनाए हैं राखी। तो गाइस बस खाना हमारा बन गया है, खीर पनीर की सब्जी पूरी सलाद और पापड़ है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और बस हमारे साथ राखी मना लीजिए। और इस ब्लॉग को बस यहीं पर एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, बाय बाय। और मैं ये थाली देकर के आती हूँ बेटे को, फिर अपने लिए और चाहत के लिए खाना लगा दूँ। हाँ बेटू।